मुरादाबाद में हॉटस्पॉट एरिया की संख्या अब केवल 12। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के बीच मुरादाबादी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल मुरादाबाद के लोग पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसकी बदौलत मुरादाबाद में अब केवल 12 हॉटस्पॉट रह गए हैं। जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अब केवल 12 हॉटस्पॉट जनपद में है। वे लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डालें, पुलिस और प्रशासन के आदेशों का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। पुलिस और प्रशासन लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लागू होने के बाद कुल कितने एरिया हॉटस्पॉट घोषित किए गए थे अब तक? मुरादाबाद में लॉकडाउन होने के बाद पूर्व में लगभग 18 हॉटस्पॉट बन गए थे और लोगों ने उसमें सहयोग किया, लॉकडाउन का पालन किया, जिसका नतीजा हुआ कि 12 हॉटस्पॉट उस सूची से निकल गए पिछले एक हफ्ते के अंदर। बट साथ ही 6 जगह नए हॉटस्पॉट बने, तो इस समय कुल संख्या 12 हॉटस्पॉट्स की है मुरादाबाद में। 18 से घट के 12 हॉटस्पॉट रह गए हैं। इसमें मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सैनिटाइज़र इसका प्रयोग करें, सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपने साथ अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं, ऐसे तत्वों को भी समझाएं कि इस तरह किसी की जीवन को खतरे में ना डालें, आप भी लॉकडाउन का पालन करें। सबका सहयोग रहेगा तो हम सभी इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे, विजय कर पाएंगे। और आने वाले ईद उल फितर के त्यौहार के संबंध में भी मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने में घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें। पुलिस और प्रशासन हमेशा सदैव आपके सहयोग में है, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। सर, हॉटस्पॉट एरिया जो ख़त्म किए गए हैं उनमें से कितने हॉटस्पॉट एरिए, क्या क्या नाम है उनके सर, कुछ बताएंगे? इसमें मुरादाबाद के कई हॉटस्पॉट एरिया हैं जो पहले हॉटस्पॉट में थे, 21 दिन वहाँ पे कोई केस नहीं आने पर उनका नाम उस हॉटस्पॉट एरिया से निकाल हट गया है, जैसे लाल नगरी, गोविंद नगर, तंबाकू बलान, हरतला, काजीपुरा आदि। सर, क्या इन एरिया में कुछ छूट दी?